हमारी अगली क्लास है सैक्लोस्टोमा, तो हम चाहेंगे ये तीन क्लासेस जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, सैक्लोस्टोम, कॉन्ड्रियोक्थिस एंड ऑस्टियोक्थिस, ये तीन क्लासेस आप डायग्राम से याद करें। सारे पॉइंट तो नहीं ला सकते डायग्राम में, फिर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसमें शत प्रतिशत मैं चाहूंगा डायग्राम में आ जाए, ताकि आप याद इससे करिएगा। अगर आपने थ्योरी रटने की कोशिश की तो भूल इसलिए जाता है क्योंकि साइक्लोस्टोमा की जानकारी नहीं है। पेट्रोमाइजॉन जिसे लैम्प्रे कहते हैं, माइक्सिन जिसे हैगफिश कहते हैं, तो इसको ज्यादा लोग डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते हैं क्योंकि देखा नहीं हुआ होता है। तो आप पहले समझने की कोशिश करिएगा, इसका नाम रखा हमने जॉलेस फिशेस। अब आप कहोगे फिशेस क्यों कह दिया, अरे पानी में रह रही बढ़िया तैरती है तो फिशेस कह दिया, लेकिन ये असली फिश नहीं है। असली फिश अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ पिसीज में पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि सर फिश लगा देने से वो पिसीज का मेंबर हो जाएगा, नहीं तो डेविल फिश क्या बुरा था, वो तो मोलस्का है, कहां फिश है वो, कटल फिश अगेन मोलस्का, सिल्वर फिश इंसेक्ट, जेली फिश, कहां ये फिशेज हैं, ये सब पानी में है बढ़िया स्विमिंग करती हैं तो लोगों ने नाम रख लिया होगा, तो इससे चौंकिए नहीं। फिश आप तब कहना शुरू करेंगे जो फिन्स यहां पर पड़ रहे हैं वो पेयर्ड फिन्स आएगी, और फिशेस तब कहते हैं जब स्केल्स पाई जाती है, स्केल समझते ना मछलियों के ऊपर होती पपड़ी जैसी, तो वो स्केल्स जब तक नहीं पाई जाएगी तब तक आप पिसीज का मेंबर नहीं कहोगे, ट्रू फिशेस नहीं है। अब हम आपको फोटो दिखाने की बात कर रहे थे, किताब में भी बनी है लेकिन किताब से सुंदर बनाऊंगा फोटो में, मतलब किताब से बढ़िया दिखेगा एग्जाम के लिहाज से, तो पहले पॉइंट हम आपको इसी में दिखाएंगे। हमने इसका जो माउथ बनाया है ये गोल गोल बनाया है, साइक्लो स्टोमा, यानी इनका माउथ जो होना चाहिए वो गोल होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द सर्कुलर माउथ, सर्कुलर, और हम तो कहेंगे जॉ लेस माउथ, जबड़ा हाई नहीं। तो कई बच्चे कहते हैं सर हम लोग का मुंह तो गोल गोल है, गोल नहीं है, इट्स अ फरो, दरार है सिर्फ, वो आप टेढ़ा मेढ़ा कर ले रहे हो तो गोल बन जा रहा है, अदरवाइज गोल थोड़ी ना हमारा मुंह है, तो इनका मुंह गोल है, तो ये पॉइंट हो गया यहीं पे। लेकिन दूसरा शब्द इसी के साथ जाने, मुंह की बात की है तो मुंह पूरा कर दें, इनका माउथ जो होता है वो सेक्टोरियल होता है। सेक्टोरियल का मतलब कुदरत ने इनका माउथ ऐसा बनाया है कि अगर चाहे तो कहीं से चिपक जाए तो सर ऐसे कर सकती हैं, तो ये तो पैरासिटिक नेचर होगा, ये पैरासिटिक नेचर है। तो पॉइंट इसी का मतलब निकला कि ये लोग भैया जितने मेंबर होते होंगे सब के सब पैरासाइट होते होंगे, इसलिए कह रहा हूं डायग्राम को ध्यान से समझिए, मैं ऐसा फिल कर दूंगा कि आपके सारे इंपॉर्टेंट सवाल इसी में आ जाएंगे, थ्योरी लिखिएगा चाहे ना लिखिएगा। यानी पहला पॉइंट हुआ इस ग्रुप के जितने मेंबर होंगे उन सब का जो मुंह होगा वो गोल गोल होगा, जबड़ा नहीं होगा, सेक्टोरियल होगा, तो जाहिर है वो पैरासाइट हो। तो दो एग्जांपल जो आप पढ़ेंगे ना, पेट्रोमाइजॉन इज अ रियली इज अ पैरासाइट, वो दूसरी मछलियों के ऊपर जाके चिपक जाता है और उनसे खून चूसता है। हैगफिश आपको नहीं लगता है लेकिन वो सड़ी गली मछलियों से जाके चिपक जाता है जो मर जाती है समुद्री मछलियां, सर उनसे सक करता है। तो क्लियर पहला। दूसरा एक पॉइंट और है जो आपकी टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, बढ़िया सा दिख भी रहा है, वही दिखता भी है उसमें। इसमें अगर ऐसे देखें तो यहां गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, ऐसे, और कई सारी बनी होंगी गिल स्लिट्स, तो इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, 6 से लेकर 15 गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। भाई एक्वेटिक एनिमल हो तो गिल स्लिट्स पाया जाना कोई बुरी बात नहीं है, गिल्स बन जाएंगी वो रिस्पिरेशन करेंगी, लेकिन जब फिशेस पढ़ोगे तो बोनी फिशेस में खाली 4 पेयर रह जाएगी, और यहां देखो 15 पेयर की बात कर रहे हैं, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेस्पिरेशन इज बाई 6 to 15 pair, वो उस साइड भी आएगा ना, तो ये पेयर्ड होना चाहिए लेटरली, है ना, इस वजह से। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट अगर आप देखें तो इनमें फिन्स बने होंगे, क्योंकि जो मूवमेंट होना है वो फिन से ही होना है, तो हम आपको ऐसे पीछे वाला फिन दिखाएं, अभी हम आपको फिन पढ़ाएंगे होता कैसा है फिन,
ऐसे फिन्स हैं। ये दो तरह के फिन्स पाए जाते हैं यहां पर, ये कहलाता है टेल फिन और ये कहलाता है दोनों डॉर्सल फिन। लेकिन यहां पर जो फिन्स पाए जा रहे हैं वो अनपेयर्ड फिन्स हैं, ये कभी पेयर नहीं होते, अनपेयर्ड फिन्स। जब हम पिसीज आपको पढ़ाएंगे तो पिसीज में अनपेयर्ड तो होंगे ही होंगे, पेयर्ड फिन्स भी होते हैं। पांच प्रकार के फिन की बात करूंगा, डॉर्सल, वेंट्रल, कॉडल और पेक्टोरल और पेल्विक फिन, तो वो जानेंगे सिर्फ जीके के लिए कि जाने कि अगर कहीं लिखा हुआ हो पेक्टोरल फिन तो हम समझें, नहीं तो आप कहोगे नहीं सर ये देखो पेयर बनाए, तो ये पेयर थोड़े ना होता है, पेयर मतलब पैरेलल वाली बात, इधर है तो इधर होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है। ये दो फिन है लेकिन दो का मतलब पेयर नहीं होता, तो पैरेलल होगा, हम अपनी बॉडी में एनाटॉमी में पैरेलल को पेयर मानते हैं। तो यहां पर हमारे फिन्स अनपेयर्ड है, ये तीसरा पॉइंट है, पेयर्ड है ही नहीं। लेकिन दूसरा एक पॉइंट यहां से जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे कि मछली नहीं है, इनके शरीर में स्केल्स नहीं पाए जाते। जब इन दोनों पॉइंट को आप देख लोगे कि भैया स्केल नहीं पाए जा रहे हैं, तब आप गारंटी ले पाओगे कि भैया नॉट ट्रू फिशेस, नॉट ट्रू फिशेस। तो देखिए हमने चार पॉइंट आपको पढ़ा दिए, चारों बहुत जबरदस्त पॉइंट हैं। पहली बात, इनका मुंह जो होता है वो गोल गोल होता है, जॉलेस होता है, नेचर इसका सक्टोरियल होता है, इसलिए इनका नेचर पैरासाइट होता है। दूसरा पॉइंट कहा, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स दैट इवॉल्व फ्रॉम 6 to 15 पेयर गिल्सलेट्स, बहुत ज्यादा है। तीसरा पॉइंट कहा है कि इसमें जो फिन्स पाए जाते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, पेयर्ड नहीं होते हैं। वो समझ में तब आएगा जब पिसीज पढ़ोगे जहां पेयर्ड फिन्स भी पाए जाते हैं। और तीसरा चौथा पॉइंट है, स्केल्स यहां पर नहीं पाए जाते, इसलिए ये मछली नहीं कहलाएगा। एक पॉइंट हम आपको थ्योरी में लिख के दिखाएंगे, इनका जो इंडोस्केलेटन है बना कहां देंगे, हड्डी वगैरह कहां बनाए, तो इनका जो इंडोस्केलेटन होगा एंड दैट इज ओनली कार्टिलेज, बोन यहां पर नहीं पाई जाती। लेकिन हम इसको कार्टिलेज फिश थोड़ी ना कह देंगे, जब फिश नहीं है तो यहां क्यों ले कर आए, कार्टिलेज तो है, क्योंकि जैसे बोलो कि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन फाउंड इन द सी, लड़का कहता तो वही एक चीज बची, तो यहां भी कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, पानी में ही पाई जाती है, समुद्र में रहती है। और एक इसके साथ पॉइंट जुड़ा है कि कोई ऐसा वर्टिब्रेट आप ढूंढिएगा जहां हमारा इंडोस्केलेटन सिर्फ कार्टिलेज का बना होगा, वहां नोटोकॉर्ड पूरी तरह से वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता। जिस जगह इंडोस्केलेटन बोनी होगा, हड्डियों का बना होगा, सिर्फ वहीं पर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में पूरी तरह से तब्दील होता है, नोटोकॉर्ड खत्म हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा जानवर इस जगह वर्टिब्रेट ने पड़े जहां पर वो स्केलेटन सिर्फ कार्टिलेज का बना है, तो नोटोकॉर्ड बनेगा तो वर्टिब्रल कॉलम, तभी तो वर्टिब्रेट का मेंबर हुआ, लेकिन सारा नोटोकॉर्ड कन्वर्ट नहीं होगा। तो मतलब ये हुआ, इंडोस्केलेटन कार्टिलेज दिखते ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ऑल लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कहा कि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना रहा है, बना रहा है वर्टिब्रल कॉलम तो है, तो वर्टिब्रेट में है तभी तो यहां पे आया, लेकिन सारा वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हुआ और कुछ उसी नोटोकॉर्ड में आज भी पाया जाता है। आप ऐसे किसी को बोलिएगा भैया नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ऑल अलॉन्ग द लाइफ, तुरंत वर्टिब्रेट से बाहर निकाल के ढकेल देता, कहता प्रोटोकॉर्डेट हुआ, आगे कोई पॉइंट ही नहीं सुनना चाहता है। तो सर ये बात तो यहां भी लागू होगी, कार्टिलेजनस फिशेस का नाम ही रखा गया, भैया आपके पास बोन नहीं है खाली कार्टिलेज है, तो उनके पास भी नोटोकॉर्ड परसिस्ट ऑल अलोंग द लाइफ। तो मैं आपको तीन जगह पढ़ा रहा हूं, सेफेलोकॉर्डेट जहां नोटोकॉर्ड परसिस्ट ऑल अलोंग द लाइफ, लेकिन वहां वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, याद रह पा रहा है। इस जगह पर कहने जा रहे हैं नोटोकॉर्ड परसिस्ट ऑल अलोंग द लाइफ, बट यहां पर आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है कार्टिलेज का बना हुआ, और सेम पॉइंट यहां भी आएगा, ठीक। तो यही पॉइंट लेकर बड़ा चौंकता है बच्चा कि सर ऐसा कैसे कह दे रहे हो आप, तो नोटोकॉर्ड परसिस्ट ऑल अराउंड द लाइफ क्योंकि यहां पर एंडोस्केलेटन कार्टिलेज है। अब इसके बाद
एक पॉइंट और रह जाता है इंपॉर्टेंट के नाम पे, वो भी थ्योरी में ही आएगा। इनका जो लार्वा होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लार्वा है, और शायद लार्वा के नाम पे सबसे इंपॉर्टेंट लार्वा में शामिल है एनिमल किंगडम के, एमोसीट लार्वा के। और इसके पहले कई लार्वा आपने पढ़े, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट एमोसीट लार्वा उतना अच्छा इंपॉर्टेंट लार्वा कहीं है नहीं। इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि पहली बार एक ऐसा सेंटेंस सुनने जा रहे हैं आप कि एमोसीट लार्वा इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। कभी आपने सुना है कि लार्वा कनेक्टिंग लिंक होता है? तो ये लार्वा कनेक्टिंग लिंक, अभी तक आपने कनेक्टिंग लिंक में जानवर पढ़े होंगे, तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके किसके बीच में? सर सिफेलोकॉर्डेट एंड सैक्लोस्टोम। यही सब ऐसे पॉइंट है जहां पर आप बिल्कुल लाचार होते हैं, या तो पढ़ा नहीं होता है, या पढ़ा होता है तो एग्जाम में रिवाइज नहीं किया होता है। तो जब अचानक नाम आता है कि सर्विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं आर्थ्रोपोडा तक, आर्थ्रोपोडा के बाद हमारी जानकारी तकरीबन शून्य होने लगती है। मोलस्का, एकांडर्मेटा, हेमिकोल्टा, देन इधर तो देख ही रहे हैं आप। फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, जब हम एम्फीबियम चलने लगेंगे ना तब समझ में आने लगेगा, क्योंकि मेढक दिखने लगेगा आपको, क्योंकि ये जानवर आपने देख रखे हैं थोड़े थोड़े। तो यही बात है और कुछ नहीं। जिसका अनुभव आपको है जिस जानवर का, जब उससे रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो आप समझने लगते, और जिसका आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो सर उससे रिलेटेड जानवर आपको समझ में कम आता है। अब स्कूलिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर ये आपने स्पेसिमेन भी नहीं देखे, तो अब यही देख के समझना। इसीलिए तो इनके लार्वा का नाम एमोसीट लार्वा है, और ये कैसा लार्वा है जो कनेक्टिंग लिंक है। अब एक और पॉइंट है हमारा अंतिम, बेहद इंपॉर्टेंट, एनाड्रोमस। ये एनाड्रोमस कहलाते हैं। एनाड्रोमस किसे कहते हैं? वो स्थिति थोड़ी अलग है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास समुद्र है सी, तो जाहिर है सारी नदियां समुद्र में मिलती, ये रिवर हो गई, तो रिवर का पानी तो सब लोग कहते हैं फ्रेश वाटर होता है, और इसको हम लोग कहते हैं मरीन, यही तो है। तो ये जो आपके पास अब सो कॉल्ड फिशेस तो कहेंगे ही, लेकिन असली नहीं है। तो ये जो जानवर है वो यहां रहते हैं, इस जगह यहीं पे रह रहे हैं अपना जीवन, यानी बेसिकली मरीन होते हैं। लेकिन जब इनको अंडा देना होता है, स्पॉनिंग, तो ये जानवर यहां से माइग्रेट करता है और फ्रेश वाटर में जाता है। सोचिए, नदी के बहाव की विपरीत दिशा में चलता है, पूरी सारी एनर्जी वो इसी काम में लगा देता है कि हम सर यहां से विपरीत दिशा में चलें, क्योंकि बहाव के विपरीत दिशा में चलना हमारे लिए बहुत टफ होता है। वो तो मछली है, लेकिन फिर भी वो सारे एफर्ट करके इस समुद्र से वो यहां जाती है। सर जाती ही नहीं है, वहां जाके अंडे देती है। इतना एग्जॉस्ट हो जाती है वो इतना जाते जाते कि अंडे देने के कुछ ही दिन के बाद वो मर जाती है। उसे पता होता है कि हम इतनी दूर जा रहे हैं और जब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं तब तक हम सर अंडे भी नहीं दे पाएंगे। उसे प्रॉपर फ्रेश वाटर, यहां नहीं आना है, हिस्ट्री को नहीं कहना है कि बस जरा सा झांक लिए बस इधर आगे चयन हो गया, पूरा हो गया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो जहां पे डेल्टा बना होता है, जहां नदियां गिरती हैं, उस जगह पानी फ्रेश वाटर नहीं होता है। तो एकदम उस पूरे हिस्से को क्रॉस करके एकदम प्योर फ्रेश वाटर वाले हिस्से में आ जाती है जहां रिवर टर्न देने लगते हैं, वहीं पर अंडे देती है और अंडे देने के बाद मर जाती है। तो जीवन का ये संघर्ष आप देखिए, जहां हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारे साथ बड़ी कठिनाई है, हमारे साथ ये नहीं है, ये देखिए जीवन के लिए संघर्ष कितना करते हैं। इसे पता होता है कि सर हम मर जाएंगे, फिर भी वो मां सैक्रिफाइस करती है और वहां जाके अंडे देती है, और ये जीवन चक्र सदियों से चल रहा है। तो सर यहां पर जाके गई, वो मर जाएगी, फिर ये अंडा जो है ये एमोसीट लार्वा में कन्वर्ट होगा, फिर ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस करेगा और फिर रिटर्न होके यहां चला जाएगा, क्योंकि एडल्ट लाइफ तो यहां भी नहीं है। तो सर इस प्रकार का जीवन जहां पर हम पानी, समुद्री पानी से फ्रेश वाटर की तरफ आते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एनाड्रोमस। ऐसे कई जगह हम आपको एग्जांपल बताएंगे। कुछ होती है कैटाड्रोमस, जिसे हम अभी आपको पढ़ा नहीं रहे, वो उल्टा चलेंगे, वो रहती फ्रेश वाटर में, अंडा देने जाती है मरीन वाटर में। ये यहां अगर अंडे दे दें तो अंडे सरवाइव नहीं करेंगे, यहां का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है। तो इन्होंने अभी इतना एडॉप्टेशन ही नहीं किया है, इनको अंडे देने के लिए वहीं जाना पड़ता है, और दैट बिलोंग्स टू दिस। बस इतने ही पॉइंट हैं।
और तो दो तीन पॉइंट फालतू में लिखे हुए हैं, क्योंकि जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होना चाहिए, ये तो वर्टिब्रेट का फीचर है, हार्ट टू चैम्बर होना चाहिए, तो वो लिखे ना लिखे बस इतने ही पॉइंट आपको याद करने हैं। तो एक बार अगर आप डायग्राम बना के याद करेंगे ना तो श्योर रहिएगा याद हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा, जब आप कार्टिलेजनस फिशेस बोनी फिशेस तीनों के डायग्राम बना लेंगे ना तब याद होगा। तो पॉइंट लिखिए, हैव सर्कुलर जॉलेस सक्टोरियल माउथ, हैज सर्कुलर सक्टोरियल जॉलेस माउथ, सो पैरासाइट। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, ब्रैकेट में 6 to 15 पेयर्ड लेटरल गिल्सलेट्स, 6 to 15 पेयर लेटरल गिल्सलेट्स, नेक्स्ट फिन्स आर अनपेयर्ड। अब डायग्राम चेक करते जाइए, विल गेट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द डायग्राम, फिन्स आर अनपेयर्ड। नेक्स्ट स्केल्स एबसेंट, स्केल्स एबसेंट, सो कैन नॉट बी ट्रू फिश, सो कैन नॉट बी ट्रू फिश। नेक्स्ट कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस इंडो स्केलेटन, सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन ऑल लाइफ, सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन ऑल लाइफ। जहां भी आपको इंडोस्केलेटन कार्टिलेज मिलेगा ये शब्द में फिर लगा दो। नेक्स्ट एमोसीट लार्वा, अपने आप समझ जाएंगे ना, अभी क्यों लिखा है एम्ब्रियोनिक स्टेज पासेस वाया, तो खाली नाम लिख रहे हैं, एमोसीट लार्वल स्टेज, इसी के ब्रैकेट में लिखिएगा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सिफेलोकॉर्डेट एंड साइक्लोस्टोम, सिफेलोकॉर्डेट एंड साइक्लोस्टोम। नेक्स्ट एनाड्रोमस नेचर, एनाड्रोमस नेचर, ब्रैकेट में लिखिएगा बेसिकली मरीन, बेसिकली मरीन बट माइग्रेट टू द रिवर फॉर स्पॉनिंग, माइग्रेट टू द रिवर फॉर स्पॉनिंग। कॉमा करके आफ्टर स्पॉनिंग डाई, अंडा देने के बाद मरना तय है। नेक्स्ट एमोसीट लार्वा अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, और नानी घर आ जाएगा एंड रिटर्न टू ओशियन, रिटर्न टू ओशियन। चेक कर लीजिए कोई ऐसा पॉइंट हो जो दिख ना रहा हो, ठीक। दो फालतू वाले पॉइंट लिख लीजिए, सर्कुलेशन क्लोज टाइप,
नेक्स्ट हार्ट टू चैम्बर, हार्ट टू चैम्बर। अब एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हैं आपके पास, एक जिसकी फोटो बनी है आपकी किताब में, उसका नाम है पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन का ही दूसरा नाम है लैम्प्रे। सर दूसरा एग्जाम्पल है माइक्सिन, और जिसका दूसरा नाम है हैगफिश। कभी आप आपस में टटोलिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, ये बच्चा ध्यान ही नहीं रखता, वो समझता है चार लोग हैं, दो लोग हैं। ये नाम इसके लोग मिक्स कर देते हैं, कहते हैं कि सर वो लैम्प्रे कोई और है, पेट्रोमाइजोन कोई और है, क्योंकि हम इस जगह बड़ा वीक हैं, हम बार बार याद दिला रहे हैं। तो पेट्रोमाइजोन को ही लैम्प्रे कहते हैं और माइक्सिन को हम हैगफिश कहते हैं। नाम बदलिएगा नहीं, आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, लेकिन मैं इसके नाम के साथ एक दो पॉइंट बता दे रहा हूं जिससे याद करते वक्त थोड़ी सुविधा रहेगी, वो याद नहीं करने आपको, लेकिन जब आप इसको जानेंगे दो तानवर हैं तो उनमें कुछ अंतर लगेगा, नहीं तो लगेगा ऐसा ही होता होगा ये। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आता है, सुन ले पहले, कि ये जो है वो सेंग्यूवोर है, जो हमारी अन्य फिशेज होती हैं उन्हीं की स्किन से जाके चिपक जाती है और चिपकी रहती है, तो उनसे खून निकाला करती है। जबकि जो माइक्सिन है ये सेंग्यूवोर नहीं है, ये सफाई कर्मचारी हैं, अंडर स्कैवेंजर हैं, जो हमारे समुद्र में बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं, तो मरी हुई जो मछलियां होती हैं उन्हीं से जाके ये चिपक जाती हैं और उनको खाती रहती हैं, तो वो खून चूसती हैं, ये स्कैवेंजर है डेड। दूसरा पॉइंट है, पेट्रोमाइजोन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन सर ये बाईसेक्सुअल होता है। तीसरा पॉइंट आता है कि सर यहां पर एमोसीट लार्वा पाया जाता है और यहां नहीं पाया जाता है, क्योंकि हम तो इस जगह पूरी विशेषता पढ़ के जा रहे थे, लेकिन इसमें एमोसीट लार्वा नहीं होगा, एब्सेंट। तो जो नीचे इनके पॉइंट्स लिख रहे हैं वो डोंट ट्राई टू लर्न, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर द टू डिफरेंट एनिमल्स। और मैंने बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस बताए हैं, एकदम अलग, कहां यूनी कहां बाईसेक्सुअल, कहां सर लार्वा जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं वो लार्वा वहां है ही नहीं। तो अगर एमोसीट लार्वा पूछा जाएगा तो आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो आप साइक्लोस्टोमा आंसर करोगे या पेट्रोमाइजोन करोगे, माइक्सिन करके नहीं आओगे इस विश्वास से ना। मतलब एक दिया हो आपको ये पेट्रोमाइजोन, एक दिया हो माइक्सिन, एक दिया हो बोथ, एक दिया हो नन, तो बोथ मत कराइएगा, क्योंकि आप सोचे हम साइक्लोस्टोम में पढ़े हैं तो वहां होना ही चाहिए। तो दोनों एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कह रहे हैं जिसकी फोटो आपकी किताब में है, और दूसरा एग्जाम्पल है माइक्सिन जिसे हैगफिश कह रहे हैं। पेट्रोमाइजोन में तीन छोटे छोटे पॉइंट हमने बोले हैं, सेंग्यूवोर हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, एमोसीट है, और माइक्सिन में उसी के कंट्रास्ट हमने पॉइंट बोले हैं कि स्कैवेंजर है, बाईसेक्सुअल है, एमोसीट लार्वा है। यस, इट्स ऑल फॉर द साइक्लोस्टोमा।